नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। एक ओर सरकार बेहतर शिक्षा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूल में बच्चों के नामांकन के नाम पर मोटी रकम लिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं तीसरी प्रखंड के मोदी बिघा उत्क्रमित मध्य विद्यालय की, जहां कुछ बच्चों से नामांकन के नाम पर अभिभावक से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। अभिभावकों द्वारा आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में नामांकन के नाम पर 2000 से 3000 शिक्षकों द्वारा लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत भाकपा माले तीसरी कमेटी द्वारा BEO जमालुद्दीन को शिकायत किया गया, जिसे BEO द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर विद्यालय पहुंचे और बताए बच्चों से जो अधिक पैसा लिया गया है उसका पैसा वापस करवाएंगे और शिक्षक पे जल्द ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अभिभावकों का शिक्षक द्वारा पैसे लिए जाने का आरोप सही पाया गया। हालांकि इस मामले की नीपापोती नामांकन का लिया गया पैसा अभिभावक को वापस करने के शर्त पर समझौता कर लिया गया। जांच के दौरान विद्यालय के सचिव प्रकाश रविदास, पारा शिक्षक प्रकाश रविदास, माले कार्यकर्ता बालेश्वर यादव, उपेंद्र शर्मा, राजू साव सहित कई शिक्षक व माले कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं चाहता हूं कि इस पर मतलब कानूनी कार्रवाई हो और इस पर छानबीन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन कौन शिक्षक का आरोप है? जयप्रकाश रविदास है और एक प्रकाश रविदास हेड मास्टर है जो उत्तर लिखे हैं और जयप्रकाश पारा शिक्षक है, उनके दोनों के ऊपर, और एक पप्पू मास्टर है, पप्पू बोल करके उनका भी एक मतलब उनके ऊपर भी आरोप है। और इसकी सूचना पर हम लोगों ने जाके संज्ञान लिया, जिसमें हमारे शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तीसरी वो भी उपस्थित हुए और उन्होंने जो है सो इसको संज्ञान में लेते हुए पुनः इस तरीके की जो सो प्रवृत्ति ना दोहराया जाए और बच्चों को उचित शिक्षा मिले और किसी भी बच्चे और अभिभावक को परेशान नहीं किया जाए, इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने आज जो सो विद्यालय पहुँचने का काम किया।